Hello everyone. In this video, we'll talk about things which I regret for not knowing before starting my MBA. So in this video, I will completely share my experience. Okay. As of now, we all know that I am done with my first year, and currently I am working at Aditya Birla Capital for my summer internship. Okay. And I know, काफी time हो गया कि you know I have been creating any videos as such, but not to worry. From June we will be consistent and we will be launching our CAT snap courses soon, so feel free to join. Okay, so jo first factor is wo hai ki you don't get your desire company and role. बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं अगर आपका कोई कंपनी में सिलेक्शन होता है. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आपका पास कैट्स, आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपको शॉर्टलिस्ट आना चाहिए, आपका जीडी क्रैक होना चाहिए, आपका पीआई क्रैक होना चाहिए, और जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है शॉर्टलिस्ट. फॉर एग्जांपल, लेट्स से आपकी कोई ड्रीम कंपनी है, लेट्स से एबीसी आपकी ड्रीम कंपनी है, बट अगर सपोज आपको इसका शॉर्टलिस्ट ही नहीं आया, देन यू वोंट गेट योर डिजायर्ड कंपनी. एंड अगर कंपनी नहीं मिलेगी तो आपको रोल भी नहीं मिलेगा. सो माई एडवाइस इज फॉर ऑल द अपकमिंग एमबीए स्टूडेंट्स, प्लीज बी ओपन. आई रिपीट, प्लीज बी ओपन टू ऑल द रोल्स एंड कंपनीज, नॉट टू गो बाय नैरो माइंड सेट कि आकाश भैया मुझे तो बस यही कंपनी चाहिए, मुझे तो बस यही रोल चाहिए. ऐसा नहीं होता है, ऐसा हमेशा नहीं होगा. सो गाइज, प्लीज बी ओपन, आई रिपीट, फॉर ऑल द रोल्स एंड फॉर ऑल द कंपनीज. दिस विल मेक योर एम बी ए लाइफ वेरी स्मूथ एंड वेरी गुड. ओके, अब जो सेकंड फैक्टर है वो है रिलेटिव ग्रेडिंग. रिलेटिव ग्रेडिंग, एक बात समझो, सारे बी स्कूल्स इसको फॉलो करते हैं. ठीक है, आपके जो मार्क्स रहेंगे, द मार्क्स विच यू विल गेट विल नॉट डिसाइड योर ग्रेड. इट विल डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर्स. फॉर एग्जाम्पल, टॉपर के मार्क्स कितने हैं एंड आपके बाकी क्लासमेट्स के मार्क्स कितने हैं. फॉर एग्जाम्पल, लेट से आपको अगर आप सपोज आपका 90% आया, फॉर एग्जाम्पल, सो जरूरी नहीं है कि आपका ए ग्रेड आएगा. और लेट सपोज आपको 70% आया है, जरूरी नहीं कि आपका सी ग्रेड आएगा. इट विल ऑल डिपेंड ऑन द टॉपर्स मार्क्स एंड आपके जो बाकी के क्लासमेट्स हैं उनके मार्क्स के ऊपर. और जो टॉपर का मार्क्स होते हैं जनरली वही बेंच मार्क्स सेट माना जाता है. सो दिस इज वॉट आई मीन वेन आई से कि आपके मार्क्स, आपके अकेले के मार्क्स आपके ग्रेड डिफाइन नहीं करेंगे. सो आई होप आपको समझ रहा होगा. वी आर टॉक अबाउट टू फैक्टर्स एज ऑफ नाउ. अब जो थर्ड फैक्टर है वो है केस कॉम्स. माई सिंसियर एडवाइस टू ईच वन ऑफ यू टू टेक केस कॉम्स वेरी सीरियसली. केस कॉम्स दो टाइप के होते हैं, एक बी स्कूल केस कॉम्स, एक कॉर्पोरेट केस कॉम्स. ठीक है, क्योंकि केस कॉम्स आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देते हैं. यानी सो अपॉर्चुनिटीज आई मीन फॉर पीपीआई एंड पीपीओ. पीपीआई मतलब प्री प्लेसमेंट इंटरव्यू, पीपीओ मतलब प्री प्लेसमेंट ऑफर. कि अगर सपोज आपका चांस है कंपनी में जॉब लेने का, सो यू विल गेट एन इंटरव्यू. ओके, एंड अगर सपोज कुछ कंपनी आपको डायरेक्टली ऑफर करती है, सो दैट्स व्हाट वी कॉल पीपीओ. ठीक है, अगर सपोज आपको पीपीआई या पीपीओ मिलता है, गुड चांस, तो यू कैन गेट आउट ऑफ स्ट्रेस फॉर समर्स इन समर इंटर्नशिप, या फिर आपको फाइनल प्लेसमेंट के स्ट्रेस नहीं होगा. सो दैट इज समथिंग यू नो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अगर आपको पीपीआई पीपीओ मिलेगा, सो ऑब्वियसली यू विल बी आउट ऑफ दिस हैसल, राइट. अब जो फोर्थ फैक्टर है वो है कनेक्शंस. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, कनेक्शंस आई मीन मीनिंगफुल कनेक्शंस. ऐसा नहीं कि हम किसी के साथ भी कनेक्ट कर रहे हैं. नो, मीनिंगफुल कनेक्शंस, कनेक्टिंग विथ योर सीनियर्स, एलम्स, प्रोफेसर्स कैन कम वेरी हैंडी, कैन बी वेरी यूजफुल. क्योंकि ये लोग आपको केस कॉम्स क्रैक करने में, सीनियर्स की सैंपल पीपीटीज मिल सकती है आपको, या फिर कमिटी में, या फिर प्लेसमेंट्स में, सो यू कैन गेट गाइडेड बाय देम.
आई रिपीट, सीनियर्स, एलम्स, प्रोफेसर्स। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम अपने कनेक्शंस बनाओ बी स्कूल में जाने के बाद, ठीक है? या तुम पहले बना सकते हो ये प्लेटफॉर्म के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से सपोज आप आई एम इंदौर जा रहे हो, डू योर रिसर्च, कौन से एलम्स है, सीनियर्स क्या कर रहे हैं, कहाँ पे जॉब कर रहे हैं, एंड ऑल दैट स्टफ। मेक कनेक्शंस, कनेक्शन कनेक्शन अच्छे बनेंगे, यू विल गेट हेल्प इन क्रैकिंग केस कॉम्पिटिशन, यू विल गेट हेल्प इन क्रैकिंग कमिटी इंटरव्यूज, प्लेसमेंट्स, राइट? अब जो लास्ट फैक्टर है वो है लर्निंग कैनवा एंड बेसिक एक्सेल। देखो, एमबीए इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन, कि तुम प्रेजेंट कैसे करते हो। अब चाहे वो तुम्हारा प्रोजेक्ट हो, कि तुम प्रोजेक्ट कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, या फिर तुम खुद को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, सेल्फ। आई ऑलवेज से एमबीए में आर्ट ऑफ सेलिंग योर सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि तुम कौन हो, ये तुम्हें खुद को बोलते आना चाहिए, कि तुम बेसिकली तुम कौन हो। दैट्स व्हाट वी कॉल आर्ट ऑफ सेलिंग योर सेल्फ। ट्रस्ट मी, अगर कोई एस्पिरेंट ये नहीं कर पाता है, वो एडवाइज यू प्लीज लर्न दिस स्किल्स। कैसे करोगे? कम्युनिकेशन, सॉफ्ट स्किल्स, सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्पीकिंग स्किल्स, राइट? सो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जो कि मुझे पता नहीं थे बिफोर ज्वाइनिंग माई एमबीए, बिफोर आई स्टार्ट माई एमबीए, राइट? सो आई होप आई सी फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, एंड इफ यू आर समवन यू नो हु विल बी ज्वाइनिंग दिस अपकमिंग एमबीए सीजन, दैट इज 24-26, और इफ यू आर समवन यू नो हु इज, लेट मी राइट इट प्रॉपरली, ओके? इफ यू आर समवन यू नो हु इज ज्वाइनिंग अपकमिंग एमबीए सीजन 24-26, और इफ यू आर समवन यू नो हु इज प्रिपेयरिंग फॉर कैट, स्नैप, प्लीज फील फ्री टू ज्वाइन अ व्हाट्सएप ग्रुप, जिसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, ओके? एंड इफ यू वांट टू कनेक्ट विथ मी वन टू वन फॉर वन टू वन मेंटरशिप, आई रिपीट, फॉर वन टू वन मेंटरशिप, मेंटरिंग, मेंटरशिप, व्हाट्सएप ऑन 9404108191। सो आई होप गाइस वी आर क्लियर। बेस्ट ऑफ लक एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।